इंडिया इट्स अ क्वाइट अ गुड रेफरेंस बुक थोड़ा सा इसके अंदर बस प्रॉब्लम यह है कि ये रादर देन गिविंग एन हिस्ट्री ये बेसिकली हिस्ट्री के नोट्स की तरह बनाई गई है बट यह क्वाइट हेल्पफुल क्योंकि ये पूरी की पूरी काइंड ऑफ ए कॉम्प्रीहेंसिव एक सिंगल प्लेस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री की जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी नेसेसरी कॉन्टेंट या सब्सटेंस है जो भी हमें अपने एग्जाम के लिए चाहिए होता है वो प्रोवाइड करा देती है सो इफ यू डू

सो नाइनटीन हंड्रेड में जब कांग्रेस ने इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी तो उस समय कांग्रेस को इलीगल uh, घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देन लेटर ऑन दे स्टार्टेड देर वॉज अ चेंज इन एटीट्यूड एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ द पावर सो वो किस वजह से हुआ था इसी समय प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन किस प्रकार से चलाया था किस बेसिस पे चलाया था और इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स जो कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद हुए थे उनका क्या इंपैक्ट था इंडिया की नेशनलिस्ट मूवमेंट पर तीन अपसर्ज हुए थे विंटर ऑफ 1945, 1946 मतलब कि दिसंबर 1945, जनवरी 1946 के दौरान उन सबको एनालिज करना वो जो इलेक्शंस हुए हैं इसी दौरान जनवरी 1946 1946 फरवरी में उसमें थे। जब मार्च 1946 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन तीन लोगों का मिशन था जो कि इंडिया में आया था जिनका मेन पर्पज था इस बात को डिसाइड करना कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर की जाती है मतलब दो ऑब्वियसली वी है बाई दिगिनिंग ऑफ दाइनटी हंड्रेड फोर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट है और वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोविजन क्या होंगे किस प्रिंसिपल्स के ऊपर करनी चाहिए हाउ दैट वुड हैपन सो टू डिसाइड दैट कि कैसे पावर ट्रांसफर की जाएगी कैबिनेट मिशन भेजा गया था इंडिया के अंदर देन वाई ब्रिटिश विद्रॉल सीम इमिनेट नाव क्या रीजन था कि अब ब्रिटिशर्स डिसाइड कर चुके थे इंडिया को लीव करना कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन क्या है उसके इंटरप्रिटेशंस दी हॉलोकास्ट इंट्रीम गवर्नमेंट चेंज इंट्रीम मतलब uh, उसके बाद uh, जो कैबिनेट मिशन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया जिसके बेसिस पर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई और उस कॉन्स्टिट्यूंट अम्बली से एक इंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उस इंट्रीम गवर्नमेंट में कांग्रेस के और इंडियन मुस्लिम लीग के दोनों के मेम्बर्स थे Uh, we will talk about that. This is what this chapter is going to discuss. This is what we are going to do today. Finally, iske baad, uh, the independence with the partition. So finally, successfully, jo chapter 25 hai, matlab iske wala jo next lecture hoga, it will invariably, we will be bringing the Indian, indi Indian independence also. Okay, perfect. Let's start doing it. Uh, okay, just before that, uh, some of you might want the, kya What is this? the pdf of the spectrum, the pdf of the spectrum. if you want the pdf of the spectrum, two telegram channel share so uh, by the name of the amit kilor. so you can scan this and probably join this telegram channel for that. The next lecture, you'll be telegram channel notification. might actually be helpful for you to be there. right. let's go with that. the post-war national scenario, two strands of the national upsurge. obviously history hamesha jo hoti hai ek dusre se connected hoti hai right everything is connected so actually main ye wala chapter behtar samajh aayega jisne bhi lecture number 30 of the spectrum dekha hai if you have not found it out just go on the youtube search for the spectrum amit gilore you will exactly get it now remember 1945 की world wars 2 खत्म हो चुकी है और उसके बाद दो basic trends आए हैं national upsurge के during the last two years of the british rule british rule खत्म होने वाला है. 46 और 47 का जो ईयर है इस समय दो नेशनल uh, क्या नाम है उसको सर्जिस कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन वाज कि देर वर सेवरल वर गोइंग बिटवीन द गवर्नमेंट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जिसके साथ साथ कम्युनल वायलेंस भी देश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई थी विच फाइनली लेट टू दी पार्टीशन एंड द इंडियन फ्रीडम एट दैट टाइम So, पहले वाला एक स्ट्रैंड ऑफ दी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो है वो जो नेगोशिएशंस चल रही हैं गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दर आर थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दिस वो आर ट्राइंग टू डिसाइड कि कैसे पावर को ट्रांसफर किया जाए सेकेंड इन लास्ट टू ईयर्स बहुत सारे से लोकलाइज्ड एंड क्वाइट मिलिटेंट नेचर ऑफ मतलब जिसमें वर्कर्स प्रेजेंट्स स्टेट्स जो होते थे जिनसे बेसिकली कंट्री वाइड स्ट्राइक्स चल रही थी अगर हम उन सबको बेसिकली कोलेट करके देखें सो देर वॉज एन इंडियन नेशनल आर्मी रिलीज मूवमेंट इंडियन नेशनल आर्मी आप समझते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें भारत के ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर्स को यूज किया गया था तो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाती है दो प्रिजनर्स ऑफ वॉर या फिर जो वो इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया एंड देवर ट्राइड फॉर द रीजन क्योंकि एक प्रकार से वो पहले इंडियन सोल्जर्स पहले ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे उसके बाद वो इंडियन नेशनल आर्मी में लड़ रहे हैं जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही है सो so एक प्रकार से उनके ऊपर केसेस चल रहे थे उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था कि दे आर बेसिकली डूइंग ट्रीजन और दे आर पार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द कंट्री एट दैट टाइम इनके अगेंस्ट ये जो आई रिलीज मूवमेंट थी इसके इससे रिलेटेड बड़े सारे से छोटे छोटे से मूवमेंट्स, छोटे छोटे से एक्सट्रीमली मिलिटेंट मास देखे गए थे देश में इस दौरान रॉयल इंडियंस नेवी रिवोल्ट अगेन ब्रिटिश आर्मी की एक सेक्शन नेवी वाला जो सेक्शन होता है उसमें कुछ रिवोल्ट हुए थे तेभागा मूवमेंट वर्ली रिवोल्ट पंजाब किसान मोर्चा ट्रेव स्ट्रगल एंड दी तेलंगाना पेजेंट रिवोल्ट ऑल ऑफ दीज

तो हम इन दोनों के दोनों चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं किस प्रकार के नेगोशिएशन चल रहे थे से जो ये बढ़ती जा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन द गवर्नमेंट एटीट्यूड 1945 के बाद जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल चुका है गवर्नमेंट ने कांग्रेस के ऊपर जो लगाया गया बैन था

देर वॉज दी अपोजिट रिएक्शन जितने भी लोग थे एक प्रकार से उनके अंदर एक नया अफसर जाया था देर एक्चुअली काइंड ऑफ रेस्टलेस टू डू समथिंग सो जो पॉपुलर एनर्जी थी जो कि पिछले तीन चार सालों से सिंस दिट इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेस की जा रही थी वो धीरे धीरे बढ़ती रही थी पीपल्स एक्सपेक्टेश्स वर बेसिकली हाई टर्न क्योंकि अब उनके जो लीडर्स थे जो कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे सबके सब रिलीज किए जा चुके थे वे वेल प्लान बैक बाई द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन ब्रिटेन फेल टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशनल डेड लॉक 1942 से लेकर 1945 तक देर वर सेवरल डिस्कशन बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक जो कि बेसिकली बढ़ता जा रहा था ड्यू टू दी परसिस्टेंट डिमांड ऑफ अ सेपरेट नेशन बाई द मुस्लिम लीग अब वो जो लास्ट हमने पढ़ा था वो वेवल प्लान एक प्रकार का कैबिनेट मिशन प्लान से पहले एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था जो कि रीच करने के लिए ट्राई किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर वेवल प्लान का अगर शॉर्ट में बताएं वेवल प्लान एक कॉन्स्टिट्यूट uh, असेंबली बनाने की सजेस्ट कर रहा था लेकिन उसमें इस बात का डिबेट या इस बात की कंफ्रंटेशन हो गई कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा ही नॉमिनेट uh, किए जाएंगे कांग्रेस विल नॉमिन विल नॉट नॉमिनेट एनी मेंबर ऑफ माइनॉरिटी दैट वाज द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग ऑन बेस्ड ऑफ ऑन बेस्ड ऑफ दिस डिमांड बेसिकली वेवल्स ने उन टॉक्स को ब्रेक कर दिया ही बी लाइक कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है मेरा प्लान जुलाई नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी में ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन uh, हुए जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट गवर्नमेंट थी ड्यूरिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वो लूज करती है है और एक नई बनती बाय लेबर पार्टी दिस टाइम ब्रिटेन में दो सबसे पॉपुलर पार्टी हैं एक पार्टी को कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी अगर हम जनरली एटीट्यूड में देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी इज स्लाइटली हार्ड लाइनर टूवर्ड्स द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट देर इज लेबर पार्टी इज स्लाइटली सिंपेथेटिक टूवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट लेबर पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है क्लीमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और पैथनिक लॉरेंस बनते हैं न्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। आई so, 1858 के एक्ट के बाद इंडिया बेसिकली वन परसन, State, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था लॉरेंस इज एन इंपॉर्टेंट नेम आई इसके बारे में इलेक्शन होते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबली पे इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चल रहा है इलेक्शन होते हैं इलेक्शन होते हैं time, uh, जो सेंट्रल वाले इलेक्शन थे, थे जो प्रोविशियज वाले थे नाउ कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी सेवन प्रोविशियल और ग्यारह प्रोविसेज में से सात प्रोविसेज में उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई थी विच दे रिजाइंड ड्यू टू द स्टार्ट ऑफ दर्ल्ड वार एज अ प्रोटेस्ट क्योंकि वर्ल्ड वार टू के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बिलिजरेंट नेशन घोषित कर दिया था बट विदाउट टेकिंग द इंडियन ओपिनियन इन टू दउंट ये सेम इलेक्शन अब दोबारा से नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव के एंड में होने वाले हैं जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करेगी सेंट्रल वालों में भी और प्रोविंशल वालों में भी हम उन इलेक्शंस के रिजल्ट से ये पता कर सकते हैं कि बेसिकली वाई दीज टू पोलिटिकल पार्टीज बेसिकली बिकेम इंपॉर्टेंट और क्यों

कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर विच इज कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर जो कि 1946 मार्च में बेसिकली इंडिया आता है वो जो प्लान सजेस्ट करता है उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यंट असेंबली बनती है दिस इज द सेम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट इज गोइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो ये सेप्टेंबर नाइन में ही गवर्नमेंट में ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया था कि वंस दीज इलेक्शन आर ओवर वी आर गोइंग टू फॉर्म अ अट असेंबली गवर्नमेंट क्यों इतनी प्रोएक्टिव हो गई है पावर uh, को ट्रांसफर करने के लिए बल्कि स्पेसिफिकली एक तो एंड ऑफ वॉर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ग्लोबल पावर का जो बैलेंस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया सिंस सिक्सटीन फिफ्टीज और सेवनटीन हंड्रेड टू बी मोर प्रोसाइज ब्रिटेन वॉज द बिगेस्ट लार्जेस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव के बाद ब्रिटिशर्स वर प्राइमरली मोर इन नॉट इन पावर टू प्रोटेट माइल्डली एंड दो नई सुपर पावर बनकर उभरी थी दैट वॉज द यूएसए एंड द यूएसएसआर both of them were in support of the freedom of India don't the USA and the USSR then this new labor government June 1945 this is also slightly more sympathetic to the Indian demands throughout Europe there was a wave of the socio socialist radical governments and British soldiers were basically fighting since 1939 so they were weary and tired and British economy completely destroyed so since 200 years, last 200 years, since 1757, britishers used the army to control the indian territories. so british indian army was not solely for the defense of the indian borders. rather, it was an army of occupation too. but now the same army was actually absolutely tired very much because they have been fighting since last six years. there was an anti-imperialist wave, southeast asia, vietnam, mein, indonesia, may, wave. एक बहुत ज़्यादा एंटी इंपेरियलिस्ट वेव चल रही थी ऑफिशियल्स को यह भी लग रहा था कि अगर दोबारा से एक और कांग्रेस का जो रिबिलियन है काइंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट अगर वो स्टार्ट हो जाता है आ, साथ ही साथ जो हम देखा ये जो सेकंड स्ट्रैंड ऑफ दी मूवमेंट्स चल रही हैं बल्ली बल्ली मल्टीपल स्पोरेडिक मूवमेंट्स चली जा रही हैं पूरे के पूरे देश में अग्रेजियन लेबर ट्रेवल्स दिस माइट एक्चुअली लीड टू लॉर्ड ऑफ वायलेंस सो इलेक्शंस वर इनिविटेबल वंस एंडेड क्यों क्योंकि लास्ट इलेक्शंस जो थे 1934 में हुए थे सो द गवर्मेंट बेसिकलीस बिफोर इट वु एक्चुअली टर्न इन टू सिर कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन के बारे में बात करते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स के बारे में बात करते हैं नव इलेक्शन देवर हेल्ड इन दिटर ऑफनटीन हंड्रेड फोर्टी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ये बता दीजिए ये 1945 ये 1946 और ये 1947 ये जो एरिया है यहाँ पर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं ओके okay? इधर यानी कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आएगा कैबिनेट मिशन प्लान विल सजेस्ट हाउ टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बेसिस ऑफ दीज इलेक्शन के बेसिस पर जो जो एमएलए well, उस समय एमएलए नहीं कह सकते मेंटिव असेंबलीशियल लेजिलेटिव असेंबली तो वो जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है दोपल हु बेसिकली इलेक्ट द पीपल ऑफ दिट्यूएंट असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इलेक्ट कर लेंगे ठीक है फिर यह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट करेगी द मुस्लिम लीग डिंट कोऑपरेट एंड स्टक टू डिमांड ऑफ बेसिकली पार्टीशन ऑफ द कंट्री तो देश का पार्टीशन किया गया ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो पाकिस्तान के जोग्राफिकल एरिया में आते थे उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई और जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया था उससे जो जो लोग नॉमिनेट और जो जो लोग इलेक्ट हुए थे वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन फॉर द नेशनलिस्टिक एम्स सुसेप्ट गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड कि फरवरी ऑफ 1945 जनवरी और फरवरी ऑफ़ 1946 के अंदर पूरे के पूरे देश में इलेक्शंस होंगे नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इलेक्शन कैंपेन वाज़ दैट इट सॉट टू मोबिलाइज़ द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इट डिड नॉट जस्ट अपील टू पीपल फॉर द वोट्स सो इन दो लास्ट थर्टी टू फोर्टी ईयर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट पहली बार जब कांग्रेस कैंपेन कर रही थी तो वो आउट एंड आउट प्रोविंशियल असेंबलीज में जब वोट मांगने जाते थे तो उस कैंपेन के अंदर एंटी ब्रिटिश स्टेटमेंट्स थी कि आप हमें इसलिए वोट दीजिए क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है द इलेक्शन कैंपेन एक्सप्रेस द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट दिस वॉज डन बाई ग्लोरीफाइंग मार्टियर्स एंड कंडेमिंग ऑफिशियल्स ब्रेव रेजिस्टेंस ऑफ द लीडरलेस पीपल वॉज लॉडेड लीडरलेस इन द सेंस कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक लीडरलेस मूवमेंट मानी जाती है मानी क्या कही जाती है उसके बारे में द रीजन बीइंग कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने से पहले ही ऑन द ऑफ नाइन्थस्ट अर्ली मॉर्निंग ऑफ द ऑफ नाइन्थस्ट बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया था सो so, जितना भी जो भी एक्टिविटीज हुई हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की वो स्पॉन्टेनियस थी वो लोगों का नेचुरल रिएक्शन था सो so, वो लीडरलेस मूवमेंट उसको कहते हैं मार्टियस मेमोरियल्स बनाए गए थे रिलीफ फंड कलेक्ट किए गए

जेंटलमेन अग्रीमेंट विद द कांग्रेस सीम्ड नेसेसरी टू दवर्मेंट सो एट दिने भी गवर्नमेंट ऑफिशियस है उनका सेंटीमेंट है कि देर शेल बी काइंड ऑफ अ फ्रेंडली कंसेंस विद द कांग्रेस बिकॉज इफ दे कम विद्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड एंड दे डू गेट पावर्स और वो इलेक्शन जीत जाते हैं सो इन मैनर जो गवर्नमेंट सर्विस होंगे वो सफर हो जाएंगी मास प्रेशर अगेंस्ट दायल ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स ऑफ वॉर

सो दीज पीपल आर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स थे एंड ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट और यू कैन कॉल इंडियन गवर्नमेंट एट दट टाइम इनके ऊपर केस चला रही थी ट्रायल चला रही थी बिकॉज दे हैड वेज्ड वॉर अगेंस्ट द कंट्री एंड द एम्प्रर बट द थिंग वॉज दैट की पूरे के पूरे देश में एक प्रकार का सेंटिमेंट था कि ये गलत है बेसिकली ये भारतीय है और इन्होंने बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चला माना वो गवर्नमेंट है बट इन सेंस दे के नॉट भी एक्चुअली पनिश्ड सो इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ ऑलबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी तो उन्होंने सोचा कि जितने भी ट्रायल्स होंगे ना वो पब्लिकली किए जाएंगे एंड दे ऑल्सो डिटेन ट्रायल अराउंड सेवन थाउजेंड ऑफ दैम सात हजार से भी ज्यादा इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया था बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग्स के वेन दे मेड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टेक क्योंकि वो चाहते थे कि इसका एक पब्लिक एग्जाम्पल बने उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के जो पहले ट्रायल्स थे दे एंडेड अप होल्डिंग इट ऑन रेड फोर्ट इन नवंबर 1945 याद कीजिएगा इसके साथ ही पैरेलली साइमल्टेनियसली सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीस के इलेक्शंस भी होने वाले हैं एंड सो फनी एंड दिस इज हाउ द हिस्ट्री वर्क मतलब नो बड़ी प्रॉबेबली प्लान इट लाइक दैट बट थिंग्स वर्क ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि तीन लोगों के इंडियन नेशनल आर्मी के तीन कमांडर्स हैं सोल्जर्स हैं उनके पब्लिक ट्रायल होंगे वो भी रेड फोर्ट डेली पे एंड इन तीनों का नाम देखिए हिंदू प्रेम कुमार सहगल शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिलो इफ दे एक्चुअली मेक अ टेक्टिकल प्लान और वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर एक ही रिलीजन के लोगों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं देन दे कुड एक्चुअली स्प्लिट द पीपल ऑफ इंडियंस

गवर्नमेंट uh, इस समय नवंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी है वर्ल्ड वॉर टू आई एन एस सोल्जर्स उनके अगेंस्ट एक ट्रायल चल रहा है यहां पर कांग्रेस आउट एंड आउट फुल सपोर्ट कर देती है इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स का रादर इनका जो डिफेंस था इनके जो लॉयर्स थे दो बेसिकली प्रोवाइडेड बाई दी कांग्रेस उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो भी बेसिकली कांग्रेस दे रही थी फर्स्ट पोस्ट वॉर कांग्रेस सेशन जो कि सितंबर 1945 में बॉम्बे में हुआ था एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करेगी कांग्रेस और इन्हीं आईएनए प्रिजनर्स का कोर्ट में डिफेंस ऑर्गेनाइज किया था भूला भाई देसाई तेज बहादुर सप्रू कैलाश नाथ कटू जवाहरलाल नेहरू एंड आसफ अली हिस्ट्री में ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं ऑब्जेक्टिव फैक्ट ये याद करने की जरूरत है सो इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स आई एन ए ट्रायल्स जो है उसमें कांग्रेस लॉयर्स प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है हु हु वर वर दीज दीज लॉयर्स डिफेंडिंग पीपल भूला भाई देसाई तेज बहादुर सप्रू कैलाशनाथ काटजू एंड दी जवाहरलाल नेहरू एंड द आसफ अली कांग्रेस ने एक आई एन ए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट इकट्ठा करती थी एम्प्लॉयमेंट अरेंज करवाती थी फंड कलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए अब यहां पे आई एन एजुटेशन स्टार्ट हो जाता है

डेली एडिटोरियल्स छपने लगे सेलिब्रेशन uh, मतलब कि देश के अंदर नवंबर uh, 12 1945 को इंडियन नेशनल आर्मी डे घोषित कर दिया गया एंड पूरा का पूरा नवंबर 5 से 11 ये 1945 की बात है आई एन वीक की तरह मंगाया मंगाने जाने लगा एंड दिस कैंपेन फॉर द सपोर्ट जब लोग इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को सपोर्ट कर रहे थे इट बेसिकली स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया ऑफ द कंट्री और अलग अलग ऑल ऑफ द डिफरेंट सोशल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज एवरीबडी वाज सपोर्टिंग इट जैसे कि इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी इट वाज ओनली कांग्रेस दैट वाज सपोर्टिंग इट एंड द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल जितने भी अफिलेशन थे वो बेसिकली उसके अगेंस्ट थे दे वर अपोजिंग इट बट इन दिस केस इन द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स एवरी सिंगल पोलिटिकल फोर्स वॉज बेसिकली इन सपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एट दैट टाइम दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास उत्तर प्रदेश के टाउन्स पंजाब कैंपेन बेसिकली कूर्ग बलूचिस्तान आसाम तक फैल गया पार्टिसिपेशन कैसे होती जनरली लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे फंड कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा उस समय के जो भी मूवी स्टार्स मुंसिपल कमिटीज थे एन थे गुरुद्वारा ये सब के सब लोग पैसे कलेक्ट कर रहे थे उनके हेल्प के लिए उनके लिए लीगल डिफेंस के लिए फाइनेंसिस के लिए स्टूडेंट मीटिंग होती थी स्टूडेंट्स बॉय कर देते थे क्लासेस को स्टूडेंट्स वैसे किसी भी बहाने बॉयकॉट कर सकते हैं क्लासेस को ऑप्शन टू दीटी टूल रिबल विद डू बिलीव इन कॉज बट देख एन एक्चुअली रिबेल विदाउट कॉज ऑल्सो सो बट स्टिल इंसिडेंटली है तो क्या हुआ बेटर तो था ही? किसान कॉन्फ्रेंसिस होने लगे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने भी डिमांड किया कि जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए एंड एज आई सेड ऑल द पॉलिटिकल एफिलियेशन वॉज बेसिकली सपोर्टेडेड इंडियन नेशनल आर्मी का जो कॉज था नो डाउट अबाउट इट कांग्रेस फुल फ्लेजेड सपोर्ट कर रही थी बट मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट पार्टी यूनियनिस्ट अकालीज जस्टिस पार्टी अहरार्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा द सिख लीग एवरीबडी इन सम सॉर्ट ऑफ और द अदर वॉज बेसिकली इन सपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी तो जो ये प्रो इंडियन नेशनल आर्मी सेंटीनेंस था सेंटीमेंट था ये वहां पर भी ओरिजिनेट होने लगा जहां पे पिछले सौ डेढ़ सौ सालों से कभी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट नहीं राइज हुआ था ब्यूरोक्रेसी दी जमीदार्स, दी वर दी वर ट्रेडिशनल बुलवर्क ऑफ दी राज अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो भी बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों के लिए फंड कलेक्ट करने लगे द तो जेंटलमैन विद द टाइटल्स मतलब कि जो ये छोटे छोटे नवाब और प्रिंसेस होते थे

फुल फ्लेजेड पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे फॉरगेट अबाउट हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक डेकेड की एक बड़ी बड़ी मूवमेंट है 1920s में नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1930s में सिविल डिस्ट्रीबीडियंस मूवमेंट है 1940s में क्विट इंडिया मूवमेंट है जनरली व्हाट आई हैव कम टू सी कि स्टूडेंट्स को ये तीन याद रहती है एज इफ दे इमेजिन इट टू बी लाइक दि ह्यूज ग्रेट मूवमेंट्स एग्जैक्टली ऑन द सेम लेवल इज बेसिकली दिस आई ट्रायल्स जिसको उतना मतलब क्या नाम है हिस्टोरिकल स्पेस नहीं मिल पाता है मेमरी में ओके प्रॉबली दिस इज ड्यू टू द मीडिया ऑल्सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द सिविल एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन इन मास मीडिया सेवरल फॉर्म्स सो हमें कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ इमेजरी याद रहती है उन चीजों की दो आई एन ए ट्रायल्स हैज नॉट बिन रिप्रेजेंटेड इन मीडिया एज मच एज दे डिजर्व टू बी तो ये जो सेंट्रल थीम थी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है ब्रिटेन रियलाइज की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आई एन इशू विद बेसिकली इंडियन वर्सेज ब्रिटिश कलर बन गया इससे पहले ऐसा नहीं होता था इससे पहले देर वर पीपल अपोजिंग द ब्रिटिश रूल बट इन सेंस इट वॉज काइंड ऑफ एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो हम इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह देख रहे हैं अब सत्तर साल के बाद राइट बट ड्यूरिंग दाइनटीन ट्वेंटीज थर्टीज

वो कैबिनेट मिशन है वो अभी हम बाद में करेंगे उसके अलावा देर वर मूवमेंट्स मिलिटेंट लेवल की मूवमेंट्स है जहां पे लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए ऑल ओवर इंडिया हड़ताल हो रही है किसी पर्टिकुलर इशू से so, उसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट वन इज इन द कोलकाता इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स के बेसिस पर सेकेंड वन अगेन कलकत्ता में होती है जब राशिद अली नाम के एक इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को बेसिकली सात साल की सजा सुना दी जाती है एंड देन वन हैपन इन द बॉम्बे जो रॉयल इंडियन नेवी के रेटिंग्स थे उन्होंने बेसिकली स्ट्राइक कर दी ठीक है ये तीन इवेंट्स हैं जो कि ये दिखा रहे हैं कि लोग बहुत ही ज्यादा और रेस्टलेस होते जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत ठीक है सो द नेशनलिस्ट मूवमेंट बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स के ऊपर काफी पीक पर पहुंच चुकी है एंड उस दौरान दे वर सेवरल वॉयलेंट कॉन्फ्रेंटेशन विद अथॉरिटी फिगर इन दिन ऑफ दिन फोर्टी फाइव एंड थ्री आर प्राइमरलीस्ट इंपॉर्टेंट थ्री वॉय नवंबर को कलकत्ता में आई एन ए ट्रायल्स के बेसिस पर एक बड़ा राइट काइंड ऑफ मतलब देर इज अब भीड़ हो जाती है और अथॉरिटी फिगर के साथ फाइट हो गई है एक प्रकार के इट इज गेटिंग एक्चुअली वेरी वालनरेबल स्टाफ जितनी भी जितनी भी ये तीनों की तीनों जो ये अपसर्जेस uh, है ये तीनों के तीनों एक पैटर्न फॉलो करती है पहला क्या एक ग्रुप पर्टिकुलर अथॉरिटी को डिफाई करता है उसको रिप्रेस करते हैं तीनों जगह पे यहां पे जैसे कलकत्ता में आई ट्रायल्स पे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली अथॉरिटी को डिफाई कर देते हैं एंड देन दी अथॉरिटी बेसिकली सप्रेसिस लाठी चार्ज हो जाता है उनको किसी प्रकार से उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है दिस इज हैपनिंग इन ऑल थ्री एक्ट तीनों का एक बेसिकली पैटर्न बिहेवियर सेम है उसके बाद सिटी पीपल ज्वाइन इन फिर वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसके साथ साथ दूसरे लोग भी लोकल पॉपुलेशन विच वॉज डायरेक्टली नॉट एसोसिएटेड वो भी एसोसिएट हो जाती है एंड देन वेन पीपल इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो ज्वाइन सो ये तीनों के तीनों पैटर्न एग्जैक्टली सेम फॉलो करते हैं लेट सी कहने की क्या बात है देखो सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे बात करते हैं नवंबर ट्वेंटी दिस कलकत्ता ओवर आई ट्रायल्स पे क्या अपसर्ज हुई थी सो अ स्टूडेंट प्रोसेशन यंग बच्चे थे ग्रेजुएट्स कॉलेज के बच्चे थे जिसमें कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई जो पॉलिटिकल पार्टी है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्लामिया कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे तो ये ज्वाइन कर रहे थे लीग और कांग्रेस को ठीक है लीग और कांग्रेस एक छोटा सा कैंपेन चला रही है उस वहां पर ज्वाइन करते हैं एंड वहां पर वो फ्लैग बांधने लग जाते हैं एज ए सिंबल ऑफ द एंटी इंपीरियलिस्ट यूनिटी एंड दे ऑल मार्च टू देउी स्क्वेयर जिस जो कि बेसिकली आप ये समझ लीजिए राजभवन था उस समय द गवर्नमेंट यूज टू सिट ओवर इन दैट द सीट ऑफ द गवर्नमेंट इन कलकत्ता तो ये प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया एंड दे रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग स्टोन्स एंड द ब्रिक बैट्स एंड पुलिस ऑब्वियसली रिजोर्टेड टू फायरिंग जिसमें से दो बच्चों की डेथ हो गई सो so, अब यह समझिए कि ऐसा हर एक ये जो तीनों की तीनों अफसर हैं इन तीनों पे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है कि देर इज अ वन पर्टिकुलर ग्रुप सो देर इज वन पर्टिकुलर ग्रुप जो कि बेसिकली जाता है वो अथॉरिटी को डिफाई करता है और उसके पास अथॉरिटी कोई भी अथॉरिटी फिगर हो गया पुलिस हो गया आर्मी हो गया उनके ऊपर काफी आ, रिप्रेशन की तरह से रिएक्ट करती है सिमिलरली जैसे ये वाला केस था कलकत्ता वाला इसी में एक प्रकार से आ, क्या कहते हैं फरवरी इलेवन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स प्रोटेस्ट वॉज लेड बाय द मुस्लिम लीग स्टूडेंट्स जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी थी कुछ अरेस्ट बच्चों को कर लिया गया वहां पर सेक्शन 144 लगा दिया गया फिर दोबारा से वहां पर बेसिकली लाठी चार्ज हो गया देन द सेम थिंग नेवल रेटिंग्स के बेसिस पे रेटिंग्स क्या होती है नेवल रेटिंग्स आई जस्ट शो इट टू यू शायद आ, वो आपको सुनने से ध्यान आ जाएगा नेवल रेटिंग्स क्या होती है बाय द वे जस्ट इन केस पेज आ गया स्टडी आई क्यू अगर स्टडी आई को कोई कोर्स ज्वाइन करो तो मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि वैसे अगर आपको यू पी एस सी की तैयारी करनी है तो यू शुड एक्चुअली यू कैन एक्चुअली डू इट फ्रॉम दिस स्टडी आई क्यू वेबसाइट एंड सिंपल सा प्रोसेस होता है एक्सप्लोर कोर्सेज में जाकर जो भी कोर्स पर्टिकुलरली जब मूड हो ज्वाइन करने का उस पर जाना होता है जैसे ये लॉन्ग टर्म बैच है टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स का डू यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स वेल देन यू गो टू दिस बच क्लिक ऑन दिस बैच और जब आप हम इसमें एडमिशन लेंगे तो ऑलवेज एंश्योर कि हम प्रोमो कोड एंटर करेंगे ए एम आई टी एल आई वी अमित लाइव लिव्ड नहीं भाई जिंदा हूं अभी मैं अमित लिव्ड नहीं लिव्ड नहीं, नहीं. लाइव अमित लाइव लिव अभी मैं आई एम टाइगर भी जिंदा है अमित भी जिंदा है अप्लाई एंड देन यू ज्वाइन दट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि नेवी रेटिंग्स क्या होती हैं ताकि आपको पता चले नेवी रेटिंग्स हम्म ढूंढना भी मुश्किल होता है ये जैसे जो सेलर होते हैं ना जो सबसे नीचे लेवल पर जो नेवी में सेलर होते हैं इनको नेवी नेवी रेटिंग्स रेटिंग्स कहते हैं ह्यूमन की बात हो रही है नेवी रेटिंग्स। इन्होंने जो उस समय की भारत की नेवी थी रॉयल इंडियन नेवी उसको कहते थे इन लोगों ने ये जो सेलर होते हैं शिप पे नेवी में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया रिबिलियन कर दिया दिस वॉज इट दिस है्यारह सौ से अधिक रॉयल इंडियन नेवी के उन सेलर्स ने वैसे यहां पर जैसे रेटिंग लिखा हुआ तो यहां पे सेलर्स भी लिख सकते थे ऑफ द तलवार उस शिप का नाम जो था हर मेजेस्टीज शिप तलवार वेंट ऑन ए स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट तो नेवी के लोगों ने इंडियन सेलर्स जो है वो बेसिकली रिवोल्ट में उठ जाते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है खाना अच्छा नहीं मिलता है सुपीरियर ऑफिसर्स उनको अब्यूज करते हैं उन्होंने बेसिकली उसमें से एक सेलर ने बेसिकली शिप के ऊपर क्विट इंडिया लिख दिया ट्रायल्स इनके दिमाग में घूम रहे थे इंडियन ट्रूप्स को इंडोनेशिया में बेसिकली यूज किया जा रहा था एंड देवर डिमांडिंग विद्रॉल सो अगर हम न्यूज की बात देखें तो इंडियन सेलर्स इन रिवोल्ट घंटे की बैटल हो गई है ब्रिटिश ट्रूप के साथ दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट इवेंट रिमेंबर दिस वट इज हैपनिंग नेवी रिवोल्ट कर रही है ये बेसिकली किसी भी देश की डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की बात हो सकती है द रिबिलियस रेटिंग्स वो एस्टेट ट्राई कलर जिन जिन लोगों ने वो नेवी के जो जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट किया शिप के ऊपर वहाँ पर जो कांग्रेस का तिरंगा झंडा था वो फहरा दिया हैमर एंड द सिकल फ्लैग कम्युनिज्म वाला झंडा फहरा दिया बाकी और अलग अलग दूसरे शिप्स के भी सेलर्स ने ज्वाइन किया और बेसिकली दे वेंट अराउंड बॉम्बे इन लॉरीज होल्डिंग कांग्रेस फ्लैग्स और यूरोपियंस और पुलिसमैन कोई मिलते थे उसको थ्रेटन कर देते क्राउड बेसिकली ब्रॉड फूड टू द रेटिंग्स शॉपकीपर्स देम टू टेक दे नीडेड अपने तीन इवेंट देखे तीनों इवेंट पे क्या हो रहा है एक सेक्शन ऑफ पीपल हैं पहले दो में स्टूडेंट हैं इसमें सेलर्स हैं दे आर स्पॉन्टेनियसली दे एक्चुअली बर्स्ट इनटू रिबिल रिबेलियन अगेंस्ट द अथॉरिटी फिगर फिर उसके बाद उसको रिप्रेस किया जाता है एंड देन इन द सेकंड सिटी पीपल जॉइन ऑल ऑफ दिस सो दिस फेज इन तीनों ये जो अपसर्जेस थे जो कि 1945 46 के विंटर्स में हुए थे इन तीनों में क्या होता है इसके अंदर फिर धीरे धीरे लोग ज्वाइन करने लग जाते हैं एक एंटी ब्रिटिश मूड आ जाता है जैसे एक दो कोलकाता में हुए ये इवेंट एक बॉम्बे में इवेंट हो रहा है तो कोलकाता और बॉम्बे में तो बेसिकली सबके सब लोग मीटिंग्स प्रोसेशन हड़ताल करने लग जाते हैं रेलवे स्टेशन बैंक बंद कर देते हैं स्पेसिफिकली इन सपोर्ट ऑफ दिस एंड देन इन द स्टेज थ्री दिस थिंक मतलब ये जो चीज है थोड़ी सी और ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है और ज्यादा दूसरे एरियाज में पहुंच जाती है अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग सिंपति एंड सॉलिडेरिटी तो स्टूडेंट्स क्लास बॉयकआउट करने लग गए हड़ताल होने लग गए प्रोसेस होने लग गए टू एक्सप्रेस सिंपती विद द स्टूडेंट एंड द रेटिंग्स तो कलकत्ता और बॉम्बे में ये हो रहा है लेकिन दूसरे एरियाज में वहां पर बेसिकली अंबाला जैसोर uh, पूना में द पीपल आर बेसिकली ट्राइंग टू शो देयर डिसकंटेंट विद द गवर्नमेंट स्ट्राइक्स बाय द रॉयल इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो इन बॉम्बे पूना कलकत्ता जैसोर है नम्बाला सो एक प्रकार से फ्लड गेट सा खुल गया है एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट का पहले नेवी में है अब बेसिकली एयरफोर्स में भी होने लग गया है ठीक है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स कराची मद्रास विशाखापट्टनम कलकत्ता दिल्ली वहां पर भी रेस्टलेसनेस फैल गई है ठीक है नाव ये जो रॉयल इंडियन नेवी की बॉम्बे वाली जो सेलर्स थे इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने परसुएड कर लिया था सरेंडर करने के लिए फरवरी 23 को एन अश्योरेंस की नेशनल पार्टीज इनको किसी को परसिक्यूट नहीं होने देंगी अब सवाल यह है कि इन इवेंट्स का ये जो थी इसका कोई व्हाट वाज द इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ना द फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों के अंदर अंदरिपेशन वॉज हैपनिंग नाउ दिस वॉज विदाउट द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस इंटरवेंशन So, जो मास थे वो एक्शन लेने लग गए थे सो इट शोड की अंदर ना एक मिलीटेंसी घूम चुकी है सेकेंड रिवोल्ट इन दी आर्म फोर्सिंग इफेक्ट ऑन दाइंड ऑफ द पीपल रॉयल इंडियन नेवी में रिवोल्ट हुआ है एयरफोर्स के लोगों ने स्ट्राइक कर दिया है आर्मी के लोगों ने भी स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया है दिस रिवोल्ट दिस रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट इज बेसिकली जनरली सीन एज एन इवेंट विच मार्ग विच इज द इससे बेसिकली ब्रिटिश रूल खत्म होना स्टार्ट हो गया इंडियन नेशनल आर्मी के जो मेंबर्स सिर्फ उनको ट्रायल करेंगे जो मर्डर या ब्रूटल ट्रीटमेंट के लिए ही अक्यूज है बाकी सबको हम छोड़ देंगे मतलब कि उस चीज का इंपैक्ट आने लग गया इंप्रिजनमेंट सेंटेंसिस पास अगेंस्ट द फर्स्ट बैच वर रिमिटेड इन जनवरी और उसके बाद 1947 में बेसिकली जिनको सेंटेंस किया था उनको भी हटा दिया गया इंडो चाइना और इंडोनेशिया से बेसिकली इंडियन सोल्जर्स को हटा दिया गया था एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजी जाए इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर इन जनवरी 1946 नाउ द कैच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो तीनों की तीनों अपसर्जेस होने लग रही है ड्यूरिंग दैट टाइम

कम्यूनल uh, यूनिटी जो थी वॉज मोर ऑर्गेनाइजेशनल देन अमंग द पीपल रादर जब रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स ने जब स्ट्राइक की थी तो जो मुस्लिम रेटिंग uh, थी यानी कि मुस्लिम सेलर्स थे दे वेंट टू लीग मुस्लिम लीग और जो बाकी थे वो कांग्रेस की तरफ गए थे सो द देर वॉज अ कम्युनल यूनिटी ड्यूरिंग दिस अबसर्च बट इतनी वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल दिख नहीं रहे थे ठीक है

सिर्फ तीन छोड़ के आठ में बेसिकली मेजोरिटी आई सिर्फ बंगाल सिंध और पंजाब को छोड़ के ठीक है सिर्फ बंगाल सिंध और पंजाब को छोड़ के अच्छा कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जीत रही है मुस्लिम लीग का भी बेसिकली मुस्लिम लीग आल्सो गॉट 86 परसेंट ऑफ ऑल द मुस्लिम वोट्स मतलब क्लेम दैट दे आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मुस्लिम वाज नॉट एग्जैक्टली इन द वेन मुस्लिम्स वर एक्चुअली वोटिंग फॉर देम सेंट्रल असेंबली में इनको भी तीस सीटें मिली है बंगाल और सिंध में इनके पास भी मेजोरिटी है नाउ रिमेंबर इंटरेस्टिंगली बंगाल इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, वन ऑफ द प्रोविंसेस व्हिच इज गोइंग टू बी पार्टीशन बिकॉज देर आर पीपल हु आर एक्चुअली ऑलरेडी पार्टी ओवर देयर 1937 में जब मुस्लिम लीग जड़ी थी कुछ नहीं जीती थी बट यहाँ पे अब वो एब्सोल्यूटली ऑलमोस्ट इक्वल आ गए कांग्रेस के और एक जो तीसरा था पंजाब एक यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली कोएलिशन के तहत गवर्नमेंट बनाई थी खिजर अयत खान उसका बेसिकली उस समय लीडर था ये क्वेश्चन है प्रिलिम्स का याद कीजिए 11 प्रोविंसेस हैं देश में, देश में इन द 1946 प्रोविंशियल इलेक्शन उन 11 में से आठ में कांग्रेस को मेजॉरिटी आई है दो बंगाल और सिंध इसमें मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी है लास्ट वन द इलेवंथ वन और दाइन्न यून सी वो जो या है, उसमें कांग्रेस ने एक कोशन गवर्नमेंट बनाई है यूनियनिस्ट पार्टी कांग्रेस और अकाली ने मिलकर ठीक है सो देखा जाए तो ग्यारह प्रोविंस में से नौ प्रोविंसेज में कांग्रेस की गवर्नमेंट है आठ में तो मेजोरिटी में है एक में कोलेशन में है और दो के अंदर इंडियन मुस्लिम लीग की क्या नाम है गवर्नमेंट है बंगाल और सिंध के अंदर द थिंग इज दैट यहां पर ये देखिए अगर प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन के बारे में बात करें सो so, मोटा मोटी कहां देखा जाएगा या hmm, yeah. 1946 इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन स्टेट शेडेड बाई द लार्जेस्ट पार्टी ग्रेट। सिग्निफिकेंट फीचर्स इलेक्शन में कम्युनल वोटिंग हुई थी आउट एंड आउट दिस विटनेस्ड कम्युनल वोटिंग अब देख भी रहे हैं ना नाइनटी परसेंट ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स गोज टू कांग्रेस एटी सिक्स परसेंट ऑफ द मुस्लिम वोट्स गोज टू मुस्लिम लीग तो आउट एंड आउट कम्युनल वोटिंग हुई है एक तो सबसे पहले इसलिए क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर रखे थे लिमिटेड फ्रेंचाइज थी होता क्या दिस इलेक्शन हैपन इन ऑफ दिन फोर्टी फाइव एंड नाइनटीन फोर्टी सिक्स तो यानी दिसंबर 1945 जनवरी 1946 में 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 इलेक्शन हो हो गए, गए गए इलेक्शंस जीत 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 हैं प्रोविंसेस कांग्रेस गई 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 है 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 आठ दो में उस मुस्लिम लीग ठीक है। है? इन सब के मेंबर ऑफ प्रोविंशियल इलेक्ट ओके नाउ द प्राइम मिनिस्टर इंडिया जाएगा सजेस्ट कि किस बेसिस पे पावर को ट्रांसफर किया जाए ये जो पैथनिक लॉरेंस है अभी हमने पह, पहले डिस्कस किया था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड कैबिनेट मिशन प्लान वाल इज कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में तीन अंग्रेज हैं जो भारत आए हैं ये तीनों के तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स हैं इन तीनों का पर्पस है एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जिससे पावर ब्रिटिशर्स से इंडियंस को ट्रांसफर की जाएगी ये सजेस्ट करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं लेट सी दिस सो देवर सेंट इंडिया टू फाइंड आउट वेज एंड मीनस फॉर ए नेगोशिएटेड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ द इंडिया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द मिशन क्वेश्चन से ब्रिटिशर्स इमीजिएटली जाने के लिए कैसे तैयार हो गए सक्सेस ऑफ द नेशनलिस्ट फोर्सेज इन द्रगल ऑफ एजनी वॉर नेशनलिज्म बेसिकली एरिया पेनिट्रेट कर चुका है जहां पर पहले नहीं देखा जाता था ठीक है दर वॉज अ डेमोन्स्ट्रेशन इन फेवर ऑफ द नेशनलिज्म फेवर ऑफ द नेशनलिज्म द ब्यूरोसी जो ब्यूरोक्रेसिस थे जो ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे अब वो भी थोड़े से नेशनलिस्ट सेंटीमेंट के अंदर इंपैक्ट आ चुके हैं ठीक है देर एग्जिस्टेड अ ब्रिटिश इंडियन पैरिटी द लॉन्ग वॉर हैड कॉज्ड वियर एंड इकोनॉमिक वरीज नाउ ओनली अ डिप्लीटेड वॉर वियरी ब्यूरोक्रेसी बैटर्ड इवेंट्स रिमेन एंड द ब्रिटिश ब्रिटिशी ऑफ कंसाइलेशन एंड रिप्रेशन हैड इट्स लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रेडिकस कब तक करेगी ब्रिटिशर्स बार बार से कंसाइल और रिप्रेशन दॉज दैट की इट वॉज अ सर्कमस्टेंशियल थिंग नो डाउट्स अबाउट इट की अब ब्रिटिशर्स को जाना था ठीक है क्रिप्स ऑफर फेल हो चुका था क्रिप्स ऑफर के बाद कुछ बचा नहीं था जिससे किसी भी इंडियंस के साथ ब्रिटिशर्स नेगोशिएट कर सकते थे द ओनली थिंग दे कैन एक्चुअली फाइनली गिव और कंसीड वॉज फ्रीडम जब नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस फोर्स के साथ रिप्रेस किया जाता था तो गवर्नमेंट जो था उसका नेचर ऑफ द इंपीरियलिज्म बेसिकली स्टूड एक्सपोज एफर्ट्स टू वू कांग्रेस डिसमेड द लॉयलिस्ट जो ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे उस समय देख रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस को अनबैन uh, कर दिया है उनके लीडर्स को रिलीज कर दिया है तो उससे लॉयलिस्ट वीअर ब्रिटिश लॉयलिस्ट वेड इन दैट नेवर द लेस सो दिस अनक्लियर मिक्स ऑफ द पॉलिसी प्रेजेंटेड अ डिलेमा जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे कोई बात नहीं है Right. The only alternative to an all-out repression of a mass movement was an entirely efficient rule, which seemed impossible now because the necessary number and the efficient officials were not available. Government also realized a settlement was necessary for burying the ghost of a mass movement for good future Indo-British relations. So, overarching British policymakers ka aim banchu कि एक ग्रेसफुली ग्रेसफुली विड्रॉ कर ले आफ्टर ए सेटलमेंट कि ट्रांसफर ऑफ पावर किस किस पर्टिकुलर मोडालिटी पे किस किस बेसिस पे होंगे और वट वुड बी द नेचर ऑफ पोस्ट इंपीरियल इंडिया ब्रिटेन रिलेशन दैट वॉज द बेसिक आइडिया ऑन द ईव ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है कैबिनेट मिशन प्लान आने से पहले जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो डिमांड क्या कर रहे हैं कांग्रेस कह रही है पावर को ट्रांसफर कर दीजिए टू वन सेंटर और माइनॉरिटीज की जो डिमांड है उसी फ्रेमवर्क के अंदर फिगर आउट करेंगे ऑटोनॉमी टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेसेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन बट ओनली आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट 1940s 39 के समय में इंडियन मुस्लिम लीग की एक डिमांड बढ़ी कि एक सेपरेट स्टेट चाहिए हमें मुस्लिम्स के लिए यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दर इज वन पोलिटिकल पार्टी जो कि एक सेपरेट स्टेट मांग रहा है इंडियन मुस्लिम लीग कांग्रेस एटलीस्ट टिल द लास्ट टाइम इनका इंसिस्टेंस ये था कि विल फिगर दैट क्वेश्चन आउट ओके फॉर नाउ ट्रांसफर द पावर टू अ सिंगल सेंटर उसके बाद जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि मुस्लिम्स हैं उनको ऑटोनमी देना है उसके मेजोरिटी प्रिवेंस बनाने हैंपरेशन करना है पार्टीशन करना है विल फिगर आउट ड्यूरिंग इन दैट फ्रेमवर्क

माइंडफुल ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज नॉट अलाउ ए माइनॉरिटी टू प्लेस देअर वीटो ऑन ऑफ ए मेजोरिटी मतलब यहां पे इस स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि दे वॉन्टेडेड इंडिया देवर बेसिकली स्टिलिस्टिक एटीट्यूड और वो इस सवाल को सॉल्व करना चाहते थे कि जो माइनॉरिटीज हैं देश के आजाद होने के बाद वट विल हैपन टू दैम द मुस्लिम लीग क्लेम वॉज दैट की माइनॉरिटीज वुड बी एट ए डिसडवाटेज इन ए कंट्री रूल मेजोरिटी सो इसीलिए हमें हमारा सेपरेट स्टेट दे दो अब ये जो बात थी इस बात पर डिबेट चल रहा है इसी बात पर पावर ट्रांसफर नहीं हो पा रही है कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में गवर्नमेंट से डिस्कशन करता है सॉरी गवर्नमेंट डिस्कशन करती है मुस्लिम uh, लीग और कांग्रेस से ठीक है दो इशू सॉल्व करने हैं एक तो इंट्रीम गवर्नमेंट कैसे बनेगी और दूसरा क्या प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स फॉलो होंगे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ठीक है ग्रेट नाउ कांग्रेस और लीग कोई ऐसा सिस्टम नहीं दे पाए जिसमें वो दोनों बात मान रहे हो तो फाइनली कैबिनेट मिशन ने मई 1946 मई 1946 में एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया ठीक है लेट्स मेक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 389 पीपल जिसमें जो ये प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए हैं अभी चार पाँच महीने पहले इसके लोग इलेक्ट करेंगे रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर द फुल फ्लेजेड पाकिस्तान कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड मिक्स कर दी ठीक है उन्होंने ये भी कहा कि यार अगर पाकिस्तान बन भी गया तो उसके अंदर बड़ी सारी सी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी तो है वॉट यू आर डिमांडिंग कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इसके साथ साथ हिंदू मेजोरिटी और सिख और हिंदू डोमिनेटेड अम्बाला एंड जलंधर डिवीजन ऑफ द पंजाब ये भी बेसिकली फिर अपनी स्टेट अलग से मांगेंगे डीप सीटिड रीजनल टाइज वुड बी डिस्टर्ब इफ बंगाल एंड पंजाब वर टू बी पार्टीशन पार्टीशन होगा तो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो जाएंगे सो दिस इज गोइंग टू बर्टिकुलर इशू सेकेंड मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रहा था जिसका एक जोग्राफिकल एरिया वेस्ट में है एक जोग्राफिकल एरिया ईस्ट में है कहते हैं तो ये मैनेज कैसे होगा भाई सो वी एक्चुअली डिक्लेयर इट आर्म्ड फोर्सेज को डिवाइड करना बेसिकली बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है मैं इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो नहीं होगा विल सजेस्ट समथिंग एल्स ओके क्या बोला उस समय जो देश के प्रोविंसेस थे दे वुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस एक सेक्शन ए मद्रास बॉम्बे सेंट्रल प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस बिहार उड़ीसा दूसरा सेक्शन बी पंजाब नॉर्थ वेस्ट एंड सिंध तीसरा सेक्शन सी बंगाल एंड असम. नोटिस करो ध्यान से सेक्शन ए में सबके सब, सब हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है सेक्शन बी और सी में बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है एक वेस्ट वाले एक ईस्ट वाले एक थ्री टीयर एग्जीक्यूटिव और लेजिसलेचर बनाया जाएगा प्रोविंशियल सेक्शन और यूनियन लेवल पे हमारे यहां हेडेड बाई द चीफ मिनिस्टर टू टीयर सिस्टम एग्जिस्ट करता है प्राइमरली ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं थ्री टीयर सिस्टम सजेस्ट करते हैं कहते हैं एक होगी नेशनल गवर्नमेंट देश की ठीक है एक पूरे के पूरे देश की इंडिया की एक नेशनल गवर्नमेंट होगी उसके बाद एक होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब जैसे स्टेट्स की होती है जैसे आज हरियाणा महाराष्ट्र की की वैसे स्टेट्स की। फिर इसके बीच में एक सेक्शनल गवर्नमेंट भी होगी देर वुड बी समथिंग विच इज कॉल्ड ए सेक्शनल थ्री टीयर जैसे इन्होंने क्योंकि सारे प्रोविंस को तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया है तो सेक्शन ए की एक अलग से गवर्नमेंट है सेक्शन बी की एक अलग से है और सेक्शन सी की एक अलग से गवर्नमेंट है

ट असेंबली 389 मेंबर्स की होगी पॉपुलेशन के परपोर्शन में था क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 38.9 करोड़ थी 1947 से पहले सो so, उसी बेसिस में हर 10 लाख का एक रिप्रेजेंटेटिव सो थ्री हंड्रेड मेंबर्स की बॉडी uh, 292 हंड्रेड नाइनटी टू प्लस फोर दो सौ छियानवे इंडियन प्रोविंसिस से आएंगे और बाकी 93 प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए जाएंगे तो so, जो जितनी प्रिंसली स्टेट्स है वहां की पॉपुलेशन है नौ करोड़ तीस लाख तो इसलिए 93 मेंबर्स होंगे नॉमिनेट जो कि उनके राजा महाराजाओं के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और जो इंडिया ब्रिटिश इंडिया जो है प्रोविंसेस जो हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन है उनतीस करोड़ साठ लाख वहां से टू लोगों को इलेक्ट किया जाएगा कौन इलेक्ट करेगा वो जो प्रोविंसिस के इलेक्शन हुए थे जनवरी के समय में उन प्रोविंसेज के जो भी मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे अभी अभी हमने प्रोविंस के इलेक्शन के बारे में पढ़ा था मुस्लिम लीग की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की विनिंग uh, परसेंटेज के बारे में

यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है और पार्ट सिक्स स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता है अगर यूनियन वाला, so वाला तो पार्ट रहता ही रहता स्टेट वाला भी पार्ट रहता है प्रोविंस वाला और उसके बाद एक और रहता जोन जोन वाला तो होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तीनों सेक्शंस का आइडिया एक कॉमन सेंटर बनाया जाएगा वो डिफेंस कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स हैंडल करेगा और बाकी ऑटोनॉमी सारी की सारी पावर स्टेट्स को दे दी जाएगी कम्युनल क्वेश्चन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर वो टू बी डिसाइडेड बिस सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड द वोटिंग प्रोविसेज के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी रेजिडरी पावर्स प्रोविसेज के पास होंगी यूनाइटेड स्टेट्स में यही सिस्टम फॉलो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो पावर है वो डिसाइडेड हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेजिडरी पावर्स भी हैं

इट ज बीन लाइक लास्ट सिक्स टू सेवन ईयर्स कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी कंसेंसस पे नहीं आई थी इन दिस दे अग्रीड टू इट फॉर अ वाइल इसलिए मैं बताता हूं क्यों कांग्रेस को ये लगा कि कैबिनेट मिशन प्लान पाकिस्तान के क्रिएशन के अगेंस्ट है और उनको लगा कि जो ये ग्रुपिंग है ना ये है ऑप्शनल पूरे के पूरे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है और मुस्लिम लीग के पास कोई वीटो नहीं है सो वी अग्री टू दिस ओके मुस्लिम लीग को लगा कि ये ग्रुपिंग कंपल्सरली है सो so इसका मतलब इसमें पाकिस्तान इंप्लाइड है ठीक है दे बोथ हिस्टोरिकली नाउ वी नो दैट दे अग्रीड टू दिस कैबिनेट मिशन प्लान दे सेड ओके लेट्स मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइन इलेक्शंस करवाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करा लो दे अग्रीड टू इट और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसके बेसिस पे इंट्रीम गवर्नमेंट बना ली मतलब कि उसमें से मेंबर निकाल के एक डिफेंस मिनिस्टर बना दिया एक इकोनॉमिक्स एक 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 लॉ मिनिस्टर उसी में से भी बना ली। happened, के इलेक्शन हुए इंट्रीम गवर्नमेंट बन गई तब मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट खींच लिया तब मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट खींच लिया सो दे पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे गॉट इन टू द इंट्रीम गवर्नमेंट मुस्लिम लीग देन दे टुक देर सपोर्ट फिर उन्होंने बोला कि हम नहीं सपोर्ट करते तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई तो उन्होंने बॉयकआउट कर दी पर वो इंट्रीम गवर्नमेंट में अब आ चुके हैं तो वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे आइए देखते हैं मिशन लेटर क्लैरिफाइड दैट द ग्रुपिंग वॉज कंपल्सरी सॉट ऑफ तो मतलब कांग्रेस का जो व्यू पॉइंट था वो बेसिकली गलत था उनको लग रहा था कि ग्रुपिंग जो है वो ऑप्शनल है विच वॉज रॉन्ग मेन ऑब्जेक्शन थोड़े थोड़े ऑब्जेक्शन हुए उन्होंने कहा कांग्रेस कह रही थी कि यार प्रोविंसेस को वेट नहीं करना चाहिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन का टू कम आउट ऑफ ग्रुप उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि कोई ग्रुप ज्वाइन ही ना करे ठीक है उनका सिंपल प्लान था कि वैसे मुस्लिम लीग के पास सिर्फ दो ही प्रोविंस में मेजोरिटी है बंगाल और सिंध के अंदर ठीक है यहीं पर मेजोरिटी है कांग्रेस के पास एन डब्ल्यू एफ पी और असम में थी तो उनको लग रहा है हमारे पास यहाँ पे मेजोरिटी है ये ग्रुप बी और सी में है इनको पहले से ही निकाल लेते हैं कंपल्सरी ग्रुपिंग कॉन्ट्रेडिक्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अगर तुम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस बनाना चाहते हो तो फिर कंपल्सरी कैसे ग्रुप कर रहे हो उनको चॉइस दो दैट्स वट ऑटोनॉमी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम प्रोविंसली स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट एक्सेप्टेबल कांग्रेस उस समय बोली कि यार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होने चाहिए इलेक्टेड होने चाहिए सारे सारे के लीग बोली कि ग्रुपिंग कंपलसरी होनी चाहिए सेक्शन बी और सी क्योंकि वो दोनों के दोनों के मुस्लिम डोमिनेटेड हैं बाद में जरूरत पड़े तो इसको बेसिकली अलग से पाकिस्तान में बदल देंगे लेटर ऑन लीग हैड थॉट दैट द कांग्रेस वुड रिजेक्ट द प्लान दस प्रमोटिंग द गवर्नमेंट टू इनवाइट द लीग टू फॉर्म द इंटर गवर्नमेंट लेकिन डिस्पाइट दीज ऑब्जेक्शन इन दोनों गार्लिको ने एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन प्लान मुस्लिम लीग ऑन जून सिक्स एंड कांग्रेस ऑन जून ट्वेंटी फोर एक्सेप्टेड द लॉन्ग टर्म प्लान पुट फॉरवर्ड बाई दिशन इलेक्शन हुए इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इलेक्शन हो गए पूरे के पूरे टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स लोगों का इलेक्शन होना था वो इलेक्शन हो गए टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स में से टू हंड्रेड एट कांग्रेस के थे कांग्रेस के जीत गए क्योंकि वही है वही सेम प्रोपोर्शन में जितने लोग जिसके हैं उतने जीत जाएंगे सेवेंटी थ्री मुस्लिम लीग के थे उतने जीत गए सो यू कैन सी कि कैसे है ये अगर हम इसको इसको परसेंटेज में डिफाइन करें तो थ्री हंड्रेड में से सिक्सटी 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 फाइव परसेंट कांग्रेस की पावर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थर्टी फाइव परसेंट नॉट एग्जैक्टली थर्टी फाइव परसेंट मुस्लिम लीग की पावर है

तो कांग्रेस सिंपल ये गेम खेल रही है कि एक बार असेंबली बन जाए जाए पावर ट्रांसफर हो उसके बाद सब हमारे हाथ दो सौ आठ लोग हैं सो so, कौन सा लॉ पास कर लेंगे इनके बिना नहीं कर पाएंगे सो कांग्रेस विल एंड ऑफ विनिंग ऑल ऑफ ऑल ऑफ इट नो डाउट अबाउट इट ठीक है सो so, वो कह रही है इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है कि देखो हम सिर्फ एक बात माने हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है ये सोवरेन है और इट वुड डिसाइड द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर बाद में सब कुछ असेंबली डिसाइड करेगी और हम असेंबली में इसलिए बाकी 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 सारी बातें बकवास है है ठीक द बिग प्रोबेबिलिटी इज दैट वुड बी नो ग्रुपिंग एज एनडब्लू एफ इन असाम ऑब्जेक्शन टू ज्वाइनिंग सेक्शन बी एन सी तो वो जो ग्रुपिंग वाली जो बात बोल रहा था कैबिनेट मिशन प्लान जवाहरलाल नहरूराज कि मेरे ख्याल से होगी नहीं क्योंकि एनडब्ल्यू एफ पी और क्या नाम है असाम एड ज्वाइन ही नहीं करेंगे क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस मेजॉरिटी में है एंड दीज आर द दीपल जिनको डिसाइड करना है सो दे विल कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो ग्रुपिंग तुम करके कहाँ दे रहे हो करने की जरूरत ही नहीं है हमें पता है ना ज्वाइन नहीं होगा नॉट प्रॉब्लम लीग विद्रू इट एक्सेप्टेंस अब यहां पे क्या हुआ कि जुलाई नाइन ट्वेंटी को लीग पहले इलेक्शंस करवा के इंट्रीम गवर्नमेंट बन गई है तब इन्होंने बेसिकली विड्रॉ कर लिया नहीं हम विड्रॉ नहीं करेंगे एंड गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम ऑगस्ट 16 टू अचीव पाकिस्तान डायरेक्ट मतलब कि अब विल जस्ट लाइक डू समथिंग हमें पाकिस्तान चाहिए किसी भी तरीके से विच लेड टू लॉट ऑफ कम्युनल राइट इन दंट्री अगस्त सिक्सटीन नाइनटीन 16 1946 की बात हो रही है ऑगस्ट सिक्सटीन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स डाय डे डायरेक्ट एक्शन डे बाशिप है इट इज रेप्रेजेंटेड बाई द जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल इनको लगा कि कैबिनेट मिशन प्लान एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट इंडिया देगा लॉजिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई है वो सॉवरेन है then we'll

एन विजेंट पाकिस्तान एज ए सॉवरन स्टेंट फॉर मुस्लिम जहां पे वो अपने रहेगा अकेला पता नहीं क्या करेगा उधर लसन आदमी आ रही है मन में गाली सोचो जिन्ना के लिए ठीक है ठीक है सो कैबिनेट मिशन प्लान ने वैसे भी वो जो ग्रुपिंग की थी प्रोविंस की इट वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन रिलीजियस मेजोरिटी वो मुस्लिम लीग की डिमांड के साथ अलाइन कर रही थी तो देवर खुश जो ये एक्सेप्टेंस थी इट वॉज बेसिकली शॉर्ट लिव्ड ठीक है ये जो इंटरप्रिटेशन में एटीट्यूड में जो चेंजेस थे इट केम अराउंड वो ओपन आउट हो गए अल्टीमेटली लेट टू इट्स फेलियर जिन्ना ने बेसिकली डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल कर दी अगस्त 1946 में विच लेड टू अ ह्यूज कम्युनल राइट्स जिससे बेसिकली देश में जो डिविजन्स थी और ज्यादा बढ़ गई बाय 1947 हंड्रेड जो पाकिस्तान की क्रिएशन की डिमांड थी और भी ज़्यादा प्रोनाउंस हो गई द इवेंचुअल रिजल्ट वॉज द पार्टीशन सो अगस्ट नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स में बेसिकली फिर वो जो पावर ट्रांसफर का जो सिस्टम था ना वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेडिकल चेंजेस हो गए पूरे के पूरे देश में अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर राइट्स चल रहे थे कलकत्ता बॉम्बे नोआखली बिहार गढ़मुक्तेश्वर उत, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर बड़े सारे से राइट्स होने लग गए दिस चेंज गवर्नमेंट प्रायोरिटीज इससे गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज हो गई ठीक है अब गवर्नमेंट को लगा या? क्योंकि राइट्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट भी लाइक अब किसी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ और चाहो तो चाहे लीग बाहर भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पहले वेवल ने शिमला टॉक्स को फेलियर डिक्लेयर कर दिया था जस्ट बिकॉज कि मुस्लिम लीग इस बात पे अड़ी हुई है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसमें जो मुस्लिम मेंबर्स है वो सिर्फ हम नॉमिनेट कर सकते हैं कांग्रेस मुस्लिम मेंबर नॉमिनेट ही नहीं कर सकती दे के नॉट बट नाउ वे विल बी लाइक यार मुझे इंट्रीम गवर्नमेंट बनानी है चाहे कोई मानता है या नहीं मानता है गवर्नमेंट पोस्टर्स ऑफ एक्वाइर दिस ऑफ ब्रिटिश रूल हैज डिमांडेड वन फ्रॉम ब्रिटेन द विड्रॉल एंड द पोस्ट इंपीरियल लिंक्स डिक्टेटेड अ कॉन्ट्रेरी पोस्टर इंट्रीम गवर्नमेंट सो एक कांग्रेस डोमिनेटेड इंट्रीम गवर्नमेंट बनी नेहरू के द्वारा हेड की व स्वॉन इन ऑन दिस सेप्टेंबर टू नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स एक बार इसको मैं दिखाता हूं ये आपको थोड़ा सा और बेहतर आएगा तो अच्छा लगेगा हैंग हो गया नहीं क्या दिखाना मुझे आपको इंट्रीम गवर्नमेंट आई आई रिमेंबर देखिए इंट्रीम गवर्नमेंट बनाई है इन्होंने वाइस और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वेवल ठीक है ये हमारा वाइस है नो डाउट्स अबाउट इट कमांडर इन चीफ आर्मी का चीफ है क्लाउड ऑचन ठीक है इसके बाद जवाहरलाल नेहरू तो ट्रांसफर के बाद ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ जवाहरलाल नेहरू और फिर अलग अलग होम अफेयर्स मिनिस्टर है वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर सो एंड सो यहां पे आप देखेंगे तो फिर दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया ये पहले तो उन्होंने वेवल ने बोल दिया था लेकिन फिर इसको ले आए दोबारा से यहां पर देखिए हुआ क्या कि मुस्लिम लीग लियाकत अली खान बन गया फाइनेंस मिनिस्टर इब्राहिम चुंदरी नगर बन गया चुंदरीगर कॉमर्स मिनिस्टर बन गया इब्राहिम इस्माइल चुन, चुंद चुंद्रीगढ़ उसका नाम है इट्स नॉट मी डोंट ब्लेम मी फॉर एनीथिंग इब्राहिम इस्माइल

और जवाहरलाल नेहरू बन गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड द कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर ऑडिट चलिए बात करते हैं लिया कत अली खान फाइनेंस इब्राहिम इसमाइल चुंदरीगढ़ चुंद

है पटेल है सिंह है जॉन मठाई है सी राजा है सी एच राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम आसफ अली ये एक मुस्लिम है जो कि कांग्रेस की तरफ से मिनिस्टर है एंड जोगेंद्रनाथ मंडल एक हिंदू है आई बिलीव सो होपफुली मुस्लिम लीग मेंबर ग्रेट नाउ लीग ने क्या किया सिंपल सी बात है ये इंटरिम गवर्नमेंट में तो पार्टिसिपेट कर लिया इन्होंने बट दे

लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर था रिस्ट्रिक्टेड एंड फंक्शनिंग ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज फिर काम नहीं करने देते दे थे थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच फॉलो करने लग गए ठीक है दे बेसिकली जस्ट टुक द गवर्नमेंट पार्ट इन द गवर्नमेंट टू फाइट फॉर द पाकिस्तान उनका सिंपल तरीका था दिस वुड बी अ वे ऑफ अ वॉर विद कांग्रेस बाय डिफरेंट पैनर्स सो कांग्रेस डिमांड कर रही थी ब्रिटिशर्स को कि दे शुड मेक लीग चेंजेस एटीट्यूड्स इन द इंट्रीम गवर्नमेंट और क्विट छोड़ दो वरना भाई अगर नहीं करना चाहते हो तो और 1947 में कांग्रेस के जो कैबिनेट के मेंबर्स मेंबर्स थे उन्होंने को 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 लिखा भी था कि लीग मेंबर्स को रिजाइन करवाओ नहीं तो हम हटा लेंगे अपने वालों लास्ट रॉक केम लीग डिमांडिंग द रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली वहां से लीग बोलने लग गई बोले कि ये, हम अग्री नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इसको डिजोल्व कर फ्रेंड्स तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा वट विल हैपन नाउ मेरा कुछ नहीं है आज़ादी आने वाली है फरवरी बीस उन्नीस सौ सैतालीस नेक्स्ट चैप्टर में हम देश को आजाद कराएंगे प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा ठीक है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नेक्स्ट द लेक्चर नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रम सीरीज द इंडिया इज अबाउट टू गेट फ्रीडम